सो गाइज अभी हम लोग पहुंच गए हैं पंचकूट पहाड़। अभी हम लोग सरफेस से लगभग 1000 मीटर ऊपर है। और ये देखिए हेमंत मेरा भाई और मोहित इटसेल्फ अभी वीडियो कर रहा है। और यहाँ से थोड़ा मोहित ये दिखा दो कितना हम लोग ऊपर आए। अभी 1000 ऊपर, गला सूख गया है, पानी प्यास लगा है और हमने के पास कुछ भी नहीं है खाने पीने के लिए। अभी हम लोग आप लोगों को दिखाएंगे जंगल में कैसे सर्वाइव किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अभी कुछ खाने पीने का दिख नहीं रहा, लेकिन हम लोग कुछ पत्ता वत्ता खा के अभी पहुंचेंगे ऊपर। ये देखिए सरफेस कितना नीचे है, यहाँ से अभी लगभग और 2000 मीटर ऊपर है पहाड़। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे बढ़ेंगे। और हेमंत हेमंत कुछ बोल लो तुम भी। नहीं ठीक है भैया, अरे भैया भैया कहता। अब मोहित अपना दो चार शायरी बोलेगा जो मेरा यूट्यूब चैनल में आएगा। मेरी ख्वाहिशों को ये दुआ मिले, तू मुझको फिर कहीं एक दफ़ा मिले। मेरी ख्वाहिशों को ये दुआ मिले, तू कहीं फिर मुझे एक दफ़ा मिले। उस रोज आसमां टूट के बरसे, जैसे मुद्दत बाद किसी फकीर को खुदा मिले। ओ मेरा भाई। सो गाइस हम लोग अभी ऊपर पहुंच गए हैं। यहाँ से अभी और 500 मीटर ऊपर है, लेकिन अब हम लोग ऊपर नहीं जा रहे हैं, अब हम लोग नीचे जा रहे हैं। तो देखिए नीचे अब हम लोग उतरेंगे धीरे धीरे। आइए हेमंत, हाँ धीरे धीरे यहाँ से नीचे का। ये देखिए अभी हम लोग इतना नीचे जाना है, सरफेस से हम लोग कितना ऊपर आ चुके हैं। अब नीचे जाके नीचे का फुटेज दिखाते हैं। चलो धीरे धीरे गाइस कुछ बोलिए अपना व्यूअर्स के लिए। बैग में वाटर बोतल ले लीजिएगा, क्योंकि अपन पानी प्यास लगता है। और कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लीजिएगा, पूछ लीजिएगा। यहाँ पे बहुत डेंजरस सांप मिले। सो गाइस ये देखिए ये चीटी का रहने का जगह है, लेकिन बाद में इसमें सब विषाक्त जहरीला सांप इसके अंदर रहता है। ये देखिए ये होल जो दिख रहा है आपको, इसके अंदर सांप हो सकता है इसमें। अगर मोहित अगर कुछ ट्राई करेगा तो सांप दिखेगा। अभी हम इसको फ्रंट कैमरा से दिखा रहे हैं, इसको बैक कर लेते कैमरा को। ये देखिए इसमें सांप रहता है। अगर ऐसा जंगल में दिखे तो सामने मत जाइए, ये जो होल देख रहा है इसमें सांप रहता है। अब इसमें पानी वानी कुछ भी डालेंगे तो सांप निकल सकता है। अब हम लोग ऑलमोस्ट नीचे उतर गए हैं। तो मोहित कैसा लगा तुमको ऊपर जाकर? अमेजिंग, बस थक गया थोड़ा। हाँ ऊपर में जाके थक, कोई भी थक जाएगा, कोई बड़ा बात नहीं है। हेमंत कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा भैया। अच्छा लगा ना? वंडरफुल एक्सपीरियंस। आप हम लोग नेक्स्ट टाइम आएंगे तो फिर ऊपर जाने का प्लान करते हैं, उसके लिए हम लोग को मॉर्निंग माना होगा। और उस दिन देख लीजिएगा आपका थाईज में पहनने ना, उस दिन देख के आएंगे। ये देखिए हम लोग सरफेस पे आ गए, नीचे आने का बहुत अच्छा बात, बहुत अच्छा लग रहा है। मोहित भूख लगा है? भूख भी लग गया, उसको प्यास भी लग गया, हमको भी लगा, हेमंत को भी लगा होगा ऑब्वियस सी बात। हेमंत ये खाना कहाँ खाता, चार्ज होता है वो रेगुलेटर में चलता है, रेगुलेटर सिस्टम है, चार्ज पे चलता है। अब हम लोग को यहाँ से घर जाना है। यहाँ से बिसरगढ़ आई थिंक 15 किलोमीटर होगा, 15 किलोमीटर।
चाहते महफिल नहीं अब आरजुए तन्हाई चाहिए, चाहते महफिल नहीं अब आरजुए तन्हाई चाहिए, ख्वाहिशें अब चांद की कहाँ रही मुझे हल्की सी परछाई चाहिए। वो दौर ही गुजर गया जब इबादतों में उसे मांगा करते थे, वो दौर ही गुजर गया जब इबादतों में उसे मांगा करते थे, अब मुझे मोहब्बत कहाँ बस खुदा से खुद की रिहाई।